हमारे बच्चे क्यों बाहर किए गए और दूसरे के बच्चों को क्यों बहाल किया गया। 40-44 बच्चे सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। बाहर के लोगों पर इतना प्रेम दर्शाने की क्या आवश्यकता है। पत्र बांट रहे हैं गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सर। अब तो उनकी उनका राज है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बांटने अलग बात है, लेकिन हम आपको तो उदाहरण दिया, वो उदाहरण मानते हैं कि गड़बड़ी कैसे हुई। तो बिहार ही में गया जिला है और गया जिला में ही फतेहपुर है, जहाँ की बच्चियाँ करीब करीब 42-44 बच्ची सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के एक दो भी नहीं है। उसी प्रकार से तो अन्य जिला में भी होंगे। तो बाहर के लोगों पर इतना प्रेम दर्शाने की क्या आवश्यकता है, जब हमारे यहाँ लाखों लाख आज 8 लाख अपीयर हुए हैं। अगर नियुक्ति होनी चाहिए थी उनमें, जो बिहार के लोग हैं उनमें होनी चाहिए थी, न कि बाहर में यूपी के लोगों को। और डिटेल हमने लिख करके दिया है, 2 पन्ने का वो कागजात है, वो अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको कॉपी दिया है। और मूल रूप में माननीय मुख्यमंत्री से अर्ज किया है कि ये बातें हुई है, आप प्रमाण मांगते हैं, और प्रमाण के साथ जो कुछ लोगों से हमको प्राप्त हुआ है कि गड़बड़ी कैसे हुई है, कि जिनका योग्यता नहीं है उनको भी अपॉइंटमेंट किया गया है। जैसे टीटी और एसएटी वगैरह होता है, उसका हर्ता होती है, वो नहीं है और वो भी अपॉइंटेड है। तो ये जांच करने का उदाहरण हम देंगे कि वो देखेंगे, खुद अपने फाइल में देखेंगे कि ऐसा हुआ है कि नहीं। हम तो सिर्फ बतला रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जब हम लिखित दे दिया है, डॉक्यूमेंट के साथ दिया है, डॉक्यूमेंट लगता है 50 पेज का है, जिसमें ये सब उदाहरण है। बहुत जो बाहर के लोग हैं उनको 40-45 नंबर आने पर ही नियुक्ति कर दी गई है, और बिहार के लोगों को 55 या 50 नंबर भी आया है, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। और आरक्षण नियमों का धज्जियां उड़ाई गई है, आरक्षण का पालन नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है हर तरह से गलतियां हैं। उसी में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखला रहे हैं, क्या नाम है उनका, सूरज मांझी है। हाँ, इनका 41 नंबर आया है, 1 से 5 जो प्राथमिक विद्यालय में होना है, और कट ऑफ जो सरकार ने फिक्स किया 39 है, लेकिन 41 आने के बाद भी इनका सिलेक्शन। देखिए, एक शेड्यूल कास्ट का है जो नाम बताया गया, सूरज मानी, उनको 41 नंबर आया हुआ है और 39 नंबर कट ऑफ मार्क्स है। फिर 41 नंबर वालों को क्यों नहीं हुआ, इसलिए क्यों पैसा नहीं दिया होगा। 342 सीट खाली। तो और सीट का जहां तक सवाल है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्व कंसल्टेंसी का रिजर्व एरिया का 42 सीट खाली है, 3142। तो ये सब क्या है, शेड्यूल कास्ट के साथ खिलवाड़ है, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। तो एक तरह शेड्यूल कास्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरे हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप बहाली पर बहाली कर रहे हैं, बस से ला रहे हैं, आप हवाई जहाज से ला के उनको ज्वाइन करवा रहे हैं। हम इसके लिए बहुत खुश होंगे, लेकिन हमारे जो बाहर से आकर के जो सीट प्राप्त कर लिया है, हमारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखलाया है, ये बर्दाश्त के बाहर की चीज है, इसको सुधार करें। हम लिख के दिया है, वो जवाब दें तो बड़ी खुशी होगी, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो आने वाला विधानसभा में हम आह्वान करते हैं, वैसे हमारे जो 8 लाख बच्चे इससे वंचित हो रहे हैं, कि आप आइए, आपकी आवाज हम बिहार विधानसभा में उठाएंगे कि हमारे बच्चे क्यों बाहर किए गए और दूसरे के बच्चों को क्यों बहाल किया गया, ये हम आवाज उठाने वाले हैं। और हम जो 2 पन्ने में लिखा है, सारे तथ्यों को लिखा है, इसकी तो जांच उच करवा लें। तो जो कहते हैं कि उदाहरण दे दें, तो उदाहरण तो दे दिया, उदाहरण की समीक्षा करके जवाब दें कि हमारा दिया हुआ उदाहरण गलत है या ठीक है। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए एकदम सार्वजनिक माफी मांगेंगे, लेकिन अगर ठीक है तो फिर ये जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये प्रक्रिया को निश्चित उनको बंद करना चाहिए और बिहार के बच्चों को तरजीह देना चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।